आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में ग्रहण काल के दौरान सुनी जाने वाली देव व दैत्यों की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से पापों का नाश होता है व शुभ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। प्राचीन कथा के अनुसार देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया था और ऋषि दुर्वासा के शाप से देवता लक्ष्मी रहित भी हो गए थे। तब सभी देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए और जाकर अपनी व्यथा श्री हरि को सुनाई और कहा, हे प्रभु, आप देवताओं की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, क्षीर सागर को मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए तुम असुरों से संधि कर लो, क्योंकि उनकी सहायता के बिना ये कार्य संभव नहीं है। जब समुद्र से अमृत निकलेगा तो मैं तुम लोगों को अमृत का भागीदार बनाऊंगा और दैत्यों को उससे वंचित रखूंगा। तब श्री हरि के कहने पर देवताओं ने दैत्यों से संधि कर अमृत मंथन का कार्य शुरू किया, जिसमें मंदराचल को मथाने और वासुकी नाग को नीति बनाया गया और श्री हरि ने कछुए का रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया और फिर समुद्र को मथा जाने लगा। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट विष प्रकट हुआ, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और नील कंठ कहलाए। तत्पश्चात समुद्र से वारुणी देवी, परिजात वृक्ष, कौस्तुभ मणि, गोएं तथा दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई। फिर लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, वे भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। सब देवताओं ने उनका दर्शन और सत्वन किया, जिससे वे लक्ष्मीवान हो गए और आखिर में समुद्र मंथन से भगवान विष्णु के अंशभूत धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। दैत्यों ने उनके हाथों से अमृत कलश छीन लिया और उसमें से आधा देवताओं को देकर वे आधा लेकर चल पड़े। यह देखकर भगवान विष्णु ने एक रूपवती मोहिनी स्त्री का रूप धारण किया और दैत्यों को संबोधित करते हुए अति मोहित करने वाली मधुर वाणी में कहा कि क्या आप ये अमृत मेरे हाथ से ग्रहण नहीं करेंगे। तब दैत्य उस मोहिनी रूप पर मोहित होते हुए बोले, तुम हमारी भार्य का स्थान ग्रहण करो और अपने हाथों से हमें अमृत पान करवाओ। यह कहकर दैत्यों ने अमृत कलश मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु को दे दिया। दैत्यों से अमृत का कलश लेकर श्री हरि ने कहा, एक पंक्ति में दैत्य और एक पंक्ति में देव हो जाएं। मैं बारी बारी से सबको अमृत पान करवाऊंगी। तब मोहिनी रूपधारी भगवान ने पहले देवताओं को अमृत पान करवाना शुरू किया। जब काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दैत्य चंद्रमा का रूप बनाकर देवों की पंक्ति में आ गया और अमृत पान करने लगा, परंतु शीघ्र ही सूर्य और चंद्रमा ने इस बात को भांप लिया
और भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए बोले, ये देव ना होकर दैत्य है। यह कहते ही श्री हरि ने अपना हाथ रोक लिया और तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। परंतु तब तक उस दैत्य के मुंह में अमृत की कुछ बूंदें चली गई थी, जिस कारण मस्तक धड़ से अलग होने के बाद भी वह नहीं मरा और जीवित रहा। यही दैत्य अमृत पान कर जाने के कारण एक से दो हो गया, जिसका सिर वाला भाग राहु बना और धड़ वाला भाग केतु कहलाया। सूर्य और चंद्रमा द्वारा अपना राज खोलने के कारण ये दोनों उन पर क्रोधित थे और इन दोनों ने सूर्य देव और चंद्र देव को यह श्राप दिया कि आप दोनों को मैं समय समय पर ग्रसित करता रहूँगा और मेरे द्वारा दी ये पीड़ा तुम्हें ग्रहण रूप में स्वीकार करनी होगी। साथ ही राहु ने भगवान श्री हरि से कहा कि आप मुझे ये आशीर्वाद दें कि उस समय ग्रहण काल के समय में संसार के लोग जो भी जप तप दान करेंगे उनका फल उन्हें अक्षय रूप में प्राप्त होगा। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ राहु की बात का अनुमोदन किया। इस प्रकार तब से राहु सूर्य और चंद्र से द्वेष की भावना रखते हैं, जिससे ग्रहण पड़ता है। इस प्रकार श्री हरि की कृपा से दैत्यों को अमृत नहीं मिला, देवताओं ने उन्हें युद्ध में हरा दिया, देवता फिर से स्वर्ग में विराजमान हो गए और दैत्य पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य देव दैत्यों की इस अमृत कथा का पान करता है वह पापों से मुक्त होकर शुभ फलों को पाता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।